नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। रायबरेली जनपद से एक बड़ी खबर आ रही है। रायबरेली जनपद के हरचंदपुर थाना क्षेत्र डिडौली ग्राम सभा में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आइए देखते हैं क्या है स्पेशल रिपोर्ट। रायबरेली के डिडौली ग्राम सभा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे से घर के अंदर लटकता मिला। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है कि मृतक मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। हाल ही में उसकी लव मैरिज हुई थी। आइए जानते हैं क्या कहा ग्राम प्रधान राजकुमार सिंह ने। अपना नाम और परिचय बता दीजिए, क्या मामला क्या हुआ जहाँ पे आप खड़े हैं। मैं राजकुमार सिंह हूँ, ग्राम प्रधान डिडौली। क्या घटना हुई? घटना आज बहुत दुखद हुई हमारे गांव के लिए। आज सुबह हमको करीब लगभग 9 बजे पता चला कि मेरे गांव में एक बिटिया जो बहू अभी नौनवली आई थी उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। तो क्या लव मैरिज हुई थी, कोई गृह कलेश, क्या चीज़? प्रथम दृष्टया हंसी खुशी परिवार दोनों रहता था। किसी भी प्रकार से कोई अभी पहले चरण में कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात निकल के नहीं आ रही जिसमें बताया जाए कि बिटिया को कोई प्रताड़ना थी। दोनों नौ दंपति खुश थे और परिवार हंसी खुशी रह रहा था। कब शादी हुई थी? अभी लास्ट 28 मई को। कहाँ की रहने वाली हैं? कब खर्चा? जो बेटी पक्ष है वो घुनसरी थाना हरचंदपुर में ही लगता है, यहीं घुनसरी बगल में गांव है, वहीं से शादी हुई थी। तो क्या मायके वालों पर कोई आरोप कुछ सामने आया? नहीं, अभी कोई आरोप नहीं है। वो लोग भी दुखी हैं अभी। अभी आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। अभी तो इस तरह किसी तरह से उनको शोक संवेदना व्यक्त किया जाए जिससे उनको इतनी बड़ी दुर्घटना पे उनको जो है ईश्वर जो है सहन करने की क्षमता दे। मानसिक रूप से कुछ ऐसा कोई बात सामने आई कि अपने पति से कुछ विवाद चल रहा है? नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं। दोनों खुश थे। अभी कल शाम तक की जो रिपोर्ट है दोनों लोग खुश थे। किसी प्रकार से कोई झगड़ा या कोई ऐसी विषय ही नहीं आया जिसमें ऐसा कि कोई बात उठे कि